Hello students, welcome to BBVN online class. Our today's topic is parts of speech. Firstly, I want to tell you what are parts of speech. Parts of speech, only the names given to the words according to their action in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं हम उनको अलग अलग नेम देते हैं उनके एक्शन के अकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? एट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ इजी फॉर्मूला ऑफ लर्निंग ऑल द एट नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सिक्वेंस वाइज. एन ए पी वी ए पी C, I, nap, web, C. Now you will think, what is this? It's an easy formula of learning all the names of parts of speech. N for noun, A for adjective, P for pronoun, V for verb, A for adverb, P for preposition, C for conjunction, for interjection. I for interjection. So students, after learning that formula, you can learn all the names of parts of speech sequence wise. N, nap, web, C. N for noun, A for adjective, P for pronoun, V for verb, A for adverb, P for preposition, C for conjunction, and I for interjection. Now I will explain all parts of speech one by one. Firstly, we take noun. What is noun? I think noun is clear to all. Just like animals ke jitne bhi name hai wo noun hai, things ke jitne bhi name hai wo noun hai, just like table, chair, pencil, eraser, water bottle, wo sab noun hai. We can take places just like Jaipur, Delhi, Kolkata, ye sab kya hai? Noun. Now students, I want to tell you how many types of noun are there. We can say there are 5 types of noun. There are 5 types of noun. First, common noun, then proper noun, then collective noun, then material noun, then abstract noun. Now students, first we take common noun. By the name itself, we can know what is common noun. All the common names, जितने भी कॉमन नेम्स हैं वो सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन में. जस्ट लाइक बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है? कॉमन है. वो सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन में. जब हम कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, एक स्पेशल नेम देते हैं, प्रॉपर नेम देते हैं, तब वो किस में चेंज हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन में. फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज अ कॉमन नाउन. जब हम बॉय को नेम देते हैं राम, ये किस में चेंज हो जाता है? प्रॉपर नाउन में. स्टूडेंट, इसी तरह जितने भी कॉमन नेम्स हैं वो सब क्या है? कॉमन नाउन. और जब हम उसको कोई, व्हेन वी गिव अ स्पेशल ए पर्टिकुलर नेम टू द कॉमन नाउन, जब हम एक कॉमन नाउन को एक स्पेशल नेम देते हैं, तब वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन. Collective noun, we can know by the name itself, the collective noun is the name of collection, a group. Collective noun किसका नाम है? एक collection का, एक group का, जिसको हम बोलते हैं collective noun. For example, we can say a bouquet of flower. Flower का जो
ग्रुप होता है, बंच होता है, फ्लोर का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? बुके. एंड जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज. जस्ट लाइक ट्रीज होता है, ट्री के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज. एंड अनदर एग्जांपल वी कैन से जो शिप्स, जो शिप्स होती है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ फ्लीट ऑफ शिप्स. स्टूडेंट इसी तरह इस नाम से क्लियर है, जब किसी अलग अलग चीज़ों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप में हम बोलते हैं उसको ही कलेक्टिव नाम बोलते हैं. एक ग्रुप होते ही हम उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउ कम ऑन द मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउ द बाय नेम इटसेल्फ वी कैन नो द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम मटेरियल और सब्सटेंस बाय विच द थिंग्स आर मेड ऑफ. किसी भी मटेरियल का और जो सब्सटेंस होता है जिससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जो ये मटेरियल है, मैटर है, हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, एयर, ये सब हमें नेचर से मिलता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ इमोशन, आइडिया एंड अ क्वालिटी. इमोशन किसका नाम है? एक एक्शन, आइडिया और क्वालिटी का नेम है, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं. जो फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एंगर, एंगर हमारे माइंड से आता है, हम उसको ना तो टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं. जैसे एंगर, काइंडनेस, सिंपथी, ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग की उपज है, हमारे माइंड में आती है, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स आई थिंक ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. And by learning that formula, you can learn all the parts of speech I have told you noun. And in another video, in the next video, I will tell you about adjective. Thank you.